हेलो फ्रेंड्स, टेकी सेजी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप डीडीए में हस्बैंड वाइफ दोनों ही फॉर्म भरना चाहते हैं या ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से बनी हुई है। क्विक व्यू के लिए ये तुरंत वीडियो देखें और पूरी की पूरी जानकारी आपको बहुत ही कम स्टेप में और कम समय के लिए आपको ये दी गई है। तो टेकी सेजी यूट्यूब चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे, पूरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे आपको कौन से स्टेप करने हैं, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप किस फॉर्म को भरना चाहते हैं, किस लोकेलिटी में फॉर्म भरना चाहते हैं, वो सारे के सारे बताएं। तो इसको ओपन करते ही आप इसके सेकेंड पेज पे आ जाएंगे। तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपके सामने ये आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ब्रॉड इंफॉर्मेशन आउट फ्लैट्स पूरी डिटेल है, फिर ब्राउजर है, इसका इंस्ट्रक्शन है, रजिस्ट्रेशन आदि सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप जाके इनसे वन बाय वन देखेंगे तो पूरी, तो ब्रोशर है, इसमें से आप डिटेल ले सकते हैं वन बाय वन। इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन से पढ़े कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं। और फिर आप रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होगा, जो कि मैं अभी पूरा का पूरा मैं आपको बताऊँगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ गए। तो रजिस्ट्रेशन पे आपको ये डिटेल्स आपने भरनी है, जैसे मिस्टर मिसेज मिस क्या है आपका, ये शीर्षक टाइटल, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका आएगा, फिर आपका यहाँ पर मिडिल नेम वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल आपने भरनी है। देखिए, इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको भरनी है। इसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा, इसलिए कई मेरे पास मैसेज आए कि ये गलत हो गई डेट ऑफ बर्थ, तो क्या करें। तो आपको डेट ऑफ बर्थ को भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करें आप। ये डेट ऑफ बर्थ करने के बाद में आपको ये देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ओटीपी आपने करना है। ये डिटेल्स भरने के बाद में आपने इस पर ओटीपी जनरेट करना है। आपका ओटीपी जनरेट होते ही आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, आपके फ़ोन पे एक मैसेज पहुंचा हुआ होगा जो कि आपको यहाँ पर भरना है, और वो ओटीपी संभाल के रखना है आपको, तुरंत उसको यहाँ पे भरना है, गलत नहीं भरना है। दोबारा भी आप इसमें रीसेंड भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपका ओटीपी नहीं आया। तो यहाँ पर आपने एंटर ओटीपी आपने कर देना है और इसको नेक्स्ट पे बटन आपने क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जाते ही आपका ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, आपने पहले पासवर्ड बनाना है, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड आपने करना है। तो ये पासवर्ड बनाने के लिए आपको अल्फाबेट्स, छोटे बड़े, डिजिट, कैरेक्टर आदि सारे के सारे यूज करने हैं। को ये चारों कैरेक्टर यूज करने हैं तभी आपका पासवर्ड अच्छी तरह से बन पाएगा। उसके बाद में आपने रजिस्टर पे बटन दबा देना है। ये करते ही रजिस्टर आपका हो जाएगा और आपका क्रिएट पासवर्ड हो गया। अब देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो ओके कर दीजिए इसे। ओके करते ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे तो ये इस तरह का पेज आ जाएगा जो कि लॉगिन का पेज है। यहां से अगर बाहर भी निकल जाएंगे तो भी दोबारा लॉगिन कर पाओगे। डीडीए की जितनी भी हाउसिंग स्कीम है, आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बन गया है, आने वाली स्कीम्स में भी आपका ये काम करेगा। तो यहां पर आपने जो यूजर आईडी था, जो कि पैन नंबर आपका यूजर आईडी होता है, वो आपको यहां पर भरना है, और फिर वो जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आपने यहां पर भरना है। तो आपका जो पैन नंबर है उसको यहां पर डिफॉल्ट आप भर लीजिए उसको यहां पर, और उसके बाद में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको भर लीजिए। और उसके बाद ही आपको रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी, यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी आपको करना है, ने यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो पासवर्ड वगैरह ध्यान से आपको क्रिएट करना है। तो आपका ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है आपने, और दूसरी स्कीम्स में आपके लिए नहीं है, वो अभी ओपन ही नहीं है। तो डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 को ओपन करना है अप्लाई। तो यहाँ फॉर्म भरने से पहले आपके निर्देश आप देख सकते हैं। आप देखिए ये निर्देश आपके आ गए, अगर दोबारा से आपको मैंने पहले भी बताया था, ये निर्देश आप एक बार और पढ़ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। फॉर्म भरने के लिए तो हम हैं ही, तो जिम्मेवारी आपकी है, तो पूरी डिटेल्स आप देख के भरें। तो ये ओके करते ही आपका ये पेज आ जाएगा आपका।
इस पेज पे आपकी पहले से ही कुछ डिटेल भरी हुई है, तो पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे कुछ मिलेंगी, उसके आगे आपको कुछ और भरनी है। साथियों यहाँ पर आपको मेनली 8 डिटेल भरनी है, जिसमें पर्सनल डिटेल जो आपके संबंधित होंगी, फिर आपके फोटो साइन अपलोड होंगे, फिर बैंक डिटेल्स आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, इसके बाद में आपको एड्रेस डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, फिर कोप्लिकेंट अगर आप भरना चाहते हैं, ज्वाइंट एप्लीकेंट आप भरना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, इसके बाद में स्पाउस की डिटेल अगर आप एप्लीकेशन जो स्पाउस के नाम से भी भरना चाह रहे हैं, दो दो फॉर्म भरना चाह रहे हैं घर पे, तो वहां पे उनकी एप्लीकेशन नंबर और स्पाउस डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। फिर आपको प्रेफरेंस डिटेल भरनी पड़ेगी कि आप कौन से जो फ्लैट लेना चाह रहे हैं प्रेफरेंस वाइज, फिर आपको सेव ड्राफ्ट करना पड़ेगा। साथियों पूरी की पूरी को डिटेल को आप ध्यान से देखें और इसको वन बाय वन करें, आप कोई भी स्टेप आपका छूटे ना और सारे स्टेप आप कंप्लीट करें। आप ये जो फोटो वगैरह है वो अच्छी तरह से उसको स्कैन करके और क्रॉप करके आप यहाँ पे उसको भरें, कोई डिटेल अगर रह जाएगी तो आपको फिर डिटेल दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फोटो स्कैन करके जो आपने सेव किया था वो यहाँ पे हमें अपलोड करना है, तो उसकी डिटेल आप पहले ही सेव कर लें, उसका कोई नंबर डाल लें और यहाँ पे उसको डाल के यहाँ पे आपने उसको निकाल लेना है और यहाँ पे अपलोड आपको कर देना है। इसके साथ ही आपने फिर अपने साइन है उसको भी ऐसे ही अपलोड कर देना है, आप इजी रहने के लिए आप उसको आसानी से सेव कर सकते हैं। डिटेल आप जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। यहां पर आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है, बैंक डिटेल्स बड़े ही ध्यान से भरनी है आपने। इस बैंक डिटेल्स में आपको जो साइन है, उसके बाद में आपका बैंक का नाम है, बैंक ब्रांच नंबर है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, आदि आदि ये चीजें आपने भरनी है। आपके जो पैसे रिफंड होके आएंगे इसलिए ये डिटेल्स ध्यान से भरें, अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हैं तो वो डिटेल्स यहाँ पे गलत होगी तो आपको गलत पैसे पहुंच जाएंगे, तो एनआरआई अकाउंट और करंट अकाउंट की डिटेल यहाँ पे ना भरें। इसके बाद में आपकी जो एड्रेस डिटेल आपकी आएंगी तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपको ध्यान से भर देनी है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप कोप्लिकेंट आप भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, यानी कि आप ज्वाइंट अकाउंट से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, अदरवाइज इसको आप नहीं रहने दें। अगर कोई कोप्लिकेंट की डिटेल भर रहा है तो यहाँ पर आपने देखना है कि उसके भी साइन और फोटो स्कैन होके एज इट इज जाएंगे, उसका नाम जरूरी चाहिएगा, उसका बैंक जो पैन नंबर है उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो ये सारी की सारी एज इट इज डिटेल आपको करनी है। उनकी अपलोडेशन भी वैसे ही होनी है जैसे आपने पहले अपलोड किए हैं, तो इसको नहीं कर दीजिए आप ये। अब सबसे बड़ी बात है स्पाउस के केस में अगर आप पति पत्नी दोनों ही फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको यहां पर अपने जो पति पत्नी की है उनकी एप्लीकेशन नंबर को यहां पे शो करना पड़ेगा, तो ये सबसे जरूरी बात है आपके लिए जो स्पाउस का केस के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन जो है, अब आप कहेंगे कि कैसे उसको एप्लीकेशन को जनरेट करें, तो आपने दोनों ही फॉर्म को इकट्ठा भरना है और आपने लास्ट में आकर के सेव ड्राफ्ट करना है। जी हाँ, फाइनल सबमिशन आपने किसी भी हालत में नहीं करना है, तो यहां पर वो एप्लीकेशन नंबर आएगा जो कि आपका एक दूसरे का होगा, यानी कि हस्बैंड ने वाइफ का भरना है और वाइफ ने हस्बैंड का भरना है, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहां पे आएगा। वो जनरेट कैसा होगा मैं अभी आपको बता रहा हूं, जनरेट करने के लिए आपको सेव ड्राफ्ट करना है, फाइनल सबमिशन नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए, सेव ड्राफ्ट आपने करना है, फाइनल सबमिशन नहीं करना है। सेव ड्राफ्ट के बाद में आप एडिशन कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन के बाद में नहीं कर सकते। तो वो एप्लीकेशन नंबर यहां पर आपने भरना है जो कि आपके हस्बैंड वाइफ का आएगा। ये सारी डिटेल आपने ध्यान से देखनी है, अभी पूरी डिटेल्स मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें ताकि आपको ये लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। अब आप देखिए कि कैसे उसको करना है, तो अभी नो करके ही आपको मैं शो करूंगा कि कैसे आपने करना है वो जो डिटेल्स हैं उसकी। तो अभी हम प्रेफरेंस को सेव कर लेते हैं, ये डिटेल्स आप सेव ड्राफ्ट के बाद में भी कर सकते हैं। तो ये प्रेफरेंस आप करें, प्लस कम साइन दबा करके आप ऐड कर सकते हैं, कम से कम एक आएगी और मैक्सिमम आप 7 डिसाइड कर सकते हैं, 7 को आप पहले ही प्रेफरेंस वाइज उनके कोड नंबर के अकॉर्डिंग आप रख लें। और अभी सबसे बड़ा काम है, आप डिक्लेरेशन अभी आपने करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करें तो सेव ड्राफ्ट आप पहले करें। जब तक डिक्लेरेशन नहीं करोगे आपका फाइनल सबमिशन नहीं होगा, तो डिक्लेरेशन को बाद में करें। आपका जो सबमिट हो गया है, जो भी आपने अभी ड्राफ्ट किया था, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर वहां पे शो करना पड़ेगा। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, अपनी पूरे फॉर्म को आप देख सकते हैं। अभी आपका ड्राफ्ट मोड में है, फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कई बार सब जो ड्राफ्ट के बाद में आपकी डिटेल्स कई सेव नहीं हो पाती, तो आप उनको चेक कर ले कि कौन कौन सी डिटेल नहीं है। आप उसको दोबारा से सेव करें, उसको वापस बैक करके वहां पे जा करके फिर से ये डिटेल्स आप उसकी भरें, तो ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। जो जो आपने भरी हुई हैं वो डिटेल्स आपको शो करेंगी। अगर कोई करेक्शन है तो आप उसको सेव कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले आप कई बार सेव कर सकते हैं, तो जब तक आप पूरे आप कंफर्म ना हो जाएं तब तक आप डिटेल आप उसको भरते रहें, और अपनी डिटेल्स फाइनल सबमिशन से पहले एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद में कोई करेक्शन इसमें आपका नहीं हो पाएगा और आप पेमेंट पेज पे आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये जो डिटेल थी वो आप आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने चेक करने के बाद में यहाँ पर आपका फाइनल सबमिशन आ जाएगा। आपने जो स्पाउस केस का था वहां पे उसका प्रेफरेंस नंबर जो जो उसकी डिटेल्स थी एप्लीकेशन नंबर को आप वहां पे सेव कर दीजिए, और यहाँ पे फाइनल सबमिशन आप कर दीजिए। तो साथियों ये क्विक भी था आपका, बहुत जल्दी आपको भरने के लिए काफी कम समय के लिए। अगर आपको ज्यादा टाइम से खुली जो डिटेल के साथ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें, और स्पाउस केस को देखने के लिए ये वीडियो जरूर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।